प्रयागराज से एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर। माफिया अतीक पुश्तैनी घर से एक विवादित पोस्टर मिला है। चकिया में अतीक के पुश्तैनी घर से एक विवादित पोस्टर मिला और इस पर लिखा हुआ है कि रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है। पांचों आरोपियों की निशानदेही पर मिले रजिस्टर में ये पोस्टर रखा मिला। पोस्टर में माफिया अतीक अहमद की तस्वीर छपी हुई है। ये देखिए वो पोस्टर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लिखा है कि रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है और इस पर अतीक अहमद की फोटो आपको नजर आ रही होगी। ये पोस्टर मिला है, पुश्तैनी घर है ये अतीक अहमद का और उसी के घर से ये पोस्टर मिला है जहां अतीक अहमद की फोटो इस पोस्टर पर लगाई गई है। और साथ ही साथ ये शब्द देखिए, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है, ये इस पोस्टर पर शब्द लिखे हैं। और अतीक अहमद की ये दो तस्वीरें आप इस फोटो में देख रहे हैं, दो अलग अलग पोस्टर्स में ये फोटो इस पोस्टर पर चस्पा की गई है। ये पुश्तैनी घर से पोस्टर मिलने का मामला सामने आया है। विवादित पोस्टर इसे कहा जाए क्योंकि जो शब्द लिखे हैं इसके कई मायने हो सकते हैं। पाल शूटआउट केस में अब एक पोस्टर की एंट्री हो गई है। ये पोस्टर माफिया अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है। इस पोस्टर में माफिया अतीक अहमद की तीन तस्वीरें छपी हुई हैं। एक तस्वीर में वो हाथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी तस्वीर में अपनी मूंछों पर ताव देता हुआ। पोस्टर में लिखा हुआ है कि रात कितनी भी काली क्यों ना हो सवेरा जरूर होता है। माना जा रहा है कि उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के परिवार पर शिकंजा कसे जाने के बाद कुछ समर्थकों ने ये पोस्टर छपवाए थे। इन पोस्टर्स को सोशल मीडिया पर जारी किए जाने की तैयारी थी। इसके साथ साथ इन पोस्टर्स को कई जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर लगाए जाने की भी तैयारी थी। पोस्टर्स के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो उसके गिरोह के सदस्य हैं, जो करीबी हैं, जो समर्थक हैं, उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल भरे ये दिन जल्द बीत जाएंगे, फिर से अतीक अहमद के अच्छे दिन वापस आएंगे। तो इस तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई थी। उमेश पाल शूटआउट केस में 21 मार्च को अतीक अहमद के परिवार से जुड़े 5 करीबियों को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर अतीक अहमद के पुश्तैनी घर के मलबे से काले रंग का एक बैग बरामद किया गया था। इस बैग में एक रजिस्टर था, उसी रजिस्टर में ये पोस्टर रखा हुआ था। तो ये पोस्टर चर्चा का सबब बना हुआ है। हालांकि ये पोस्टर किसने छपवाया, किस मकसद से छपवाया, इसे कहां लगवाया जाना था, इसका अभी जो है खुलासा नहीं हो पाया है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। दरअसल माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम राशि बढ़ गई है। 25,000 से बढ़ाकर इस इनाम राशि को 50,000 रुपए कर दिया गया है। फिलहाल उमेश पाल मोटो केस के आरोपी शाइस्ता परवीन फरार है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी है शाइस्ता परवीन और सेशन कोर्ट से शाइस्ता की अग्रिम जमानत भी खारिज हो चुकी है और इनाम घोषित किया गया। लंबे समय से शाइस्ता परवीन पर पकड़ से बाहर है। पहले 25,000 ये इनाम था, इस इनाम राशि को बढ़ाकर 25,000 से 50,000 रुपए कर दिया गया है और लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही है शाइस्ता परवीन की। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम की रकम 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल आरोपियों और पुलिस के बीच लुका छिपी का यह खेल कब तक जारी रहेगा? 5-5 लाख रुपए के इनामी 5 शूटर्स कब पकड़े जाएंगे? माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि तकरीबन 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है और अब उमेश पाल के परिवार वालों के सब्र का बांध भी टूटने लगा है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।